सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परितांडे ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू परितांडे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज साड़ी में देख के आपको पता, हेलो करो, साड़ी में देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं कहीं ना कहीं जा ही रही हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा दूर, एक और स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन छबुआ, मैं वहाँ जा रही हूँ। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड रहते हैं जिनकी पोस्टिंग अभी आ गई है, वो अभी हैदराबाद शिफ्ट होने वाले हैं 2 महीने बाद। तो इसीलिए उन्होंने हमें इन्वाइट किया है लंच पे, तो हम लोग जा रहे हैं उनके घर लंच करने के लिए। और फिर उसके बाद हम उनको बुलाएंगे हमारे घर पे लंच पे या फिर डिनर पे, देखते हैं हम उनको इनविटेशन देंगे। अभी रुको, मैं बताती हूँ आपको। कौन? चिंटी अंकल की नहीं बात कर रही ना मैं, एक और अंकल है। तो अभी हम रेडी हो गए हैं, सीनी रेडी हो गया है, आयुष रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग कुछ ही देर में बस निकलने वाले हैं, देखते हैं वहां आपके साथ कुछ शेयर करने लायक हुआ तो जरूर शेयर करूंगी। और अभी चलो निकलते हैं, बाय बाय। सो ये तांडी साहब भी आ गए हैं, तांडी साहब अभी रेडी हो गए हैं। और आज मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगी, नहीं तो बोलेंगे मैं तो हमेशा ही हीरो लगता हूँ। आज मैंने लिया है लावी का मैचिंग पर्स, पानी की बोतल। चलो अभी निकल रहे हैं बस 2 मिनट में। छबुआ एयरपोर्ट, छबुआ, बिल्कुल बोलो, छबुआ एयरपोर्ट जा रहे हैं खाने पे। चलो भाई पर्स रख देते हैं इधर साइड में, पानी की बोतल। चलो लगाओ भाई थोड़ा सा। नमस्ते पापा, यार हम तो श्रेया के घर पे तो भूल कैसे गए यार। श्रेया दीदी, बड़ों को ऐसी चलो करो बंद केबल, निकालो कोई। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं छबुआ। चलो अब लगाते हैं पापा के फोन में गाने। यहाँ पे गए हैं तंडी साहब कैंटीन सोन पापड़ी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ की मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आसाम में एक ही चीज का, आसाम में यही थोड़ा सा एक पंगा है कि यहाँ पे मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अगर हम खुद पर्सनली अगर नहीं खा रहे हैं वो मिठाई, तो फिर हम किसी और को भी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी मिठाई की अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे गए हैं कैंटीन से सोन पापड़ी, जो तो बिल्कुल भी अच्छी होती है, टेस्टी होती है। तो अभी वो लेने गए हैं। सो फ्रेंड्स, निकल गए हैं हम अपने घर से छबुआ के लिए। और सीनू और मम्मा दोनों पहली बार छबुआ एयरफोर्स स्टेशन देखेंगे और छबुआ भी देखेंगे। और आयुष पहले गया हुआ है, क्योंकि आयुष जब मैराथन में आयुष ने पार्टिसिपेट किया था तो वो छबुआ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही था, तो उस टाइम आयुष गया हुआ है। समर कैंप के टाइम भी आयुष गया हुआ है। और तांडी साहब तो जाते ही रहते हैं, तो बस हम लोग नहीं गए हैं, तो अब हम लोग जाएंगे। आज देखते हैं कैसा है, आपको भी दिखाएंगे। ये देखो छोटे छोटे घर इतने अच्छे लगते हैं मुझे, बड़े अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे घर। और हरियाली बहुत है यहाँ पे। चलो चलते हैं। फोटो से नीचे आ गया थोड़ा, कोई बात नहीं।
जाके आ गए हैं और वहाँ पे ज्यादा वीडियो तो शूट नहीं किया, आपको दिखाया ही था कि उनके छोटे छोटे एक लड़का और एक लड़की है और उनको तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और खाना बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, दाल बाटी चूरमा बनाया था जो कि तांडी साहब को बहुत पसंद है, और बहुत टेस्टी लड्डू बनाए थे उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा खाना। लंच हो गया हमारा और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और उनके साथ ज्यादा वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाए कि मैं बहुत सालों बाद मिली थी उनसे और इनके बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं लगता ना कि किसी से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और वैसे वीडियो शूट कर लो, इसलिए। तो चलिए अब हम जा रहे हैं वापस घर। और ये देखिए हरियाली, आप देख ही सकते हैं कितनी हरियाली, एक ही मतलब लाइन में खूब सारे चाय के पौधे। तो अगर तांडी साहब गाड़ी रोक दे यहाँ फोटो वोटो शूट कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी देखो अब आगे रोकेंगे, अभी यहाँ पे क्या थोड़ा सा रोड है बन रही है तो खड्डा है, हम जाएंगे जहाँ पे रोड सही है और अंदर जाके फिर फोटो शूट करेंगे। आज साड़ी में फोटो लेंगे कुछ चाय के बागान के। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलो चाबी निकाल लेना बाहर, ये मेरी सवारी मेरी साइकिल। और यहाँ पे लिखा है एम पी। भाई सीनो खोलो खोलो, करते ही खुल गया। ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर, हाँ ये ताला पकड़ा, ये लो वापस लगाओ। चलो ये लो, चलो सामान पकड़ो और ये सामान दो।